इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का ये जो मेथड है ये टोटल ऑप्शनल है, पर इसमें जो मेन काम है वो हम नोट कर लेंगे। ये मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, हमने कर लिया पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हमने कर लिया। इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ जहाँ आपको क्वेश्चन फंसा सकता है पूछने वाला। इमेजिन करो एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1, वही स्टूडेंट को उठा के ले आया। एक और चार्ज ले आया मैं Q2, मैंने रख दिया यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये चार्ज उस चार्ज को क्या कर रहा था, रिपेल, उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। किसे करना पड़ा, मुझे करना पड़ा। तो मेरा नाम है एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। उल्टा प्रोसेस करते हैं, ये तो चार्जेस पड़े हैं दोनों पॉजिटिव हैं, चलो इनको छोड़ देता हूं। तो ये वापस रूम के बाहर निकल जाएगा, फील्ड के बाहर निकल जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहे सर आपने भेजा इसे, मैं क्यों भेजूंगा यार, मैं तो हाथ भी लगाया उसे, अपना भी चला गया। तो इस बार फोर्स किसने लगाई रिपल्शन की, इसने। तो वर्क डन मैंने नहीं किया, वर्क डन किया किसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। अब यानी कि दो लोग काम कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में, या तो मैं कर रहा हूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है। अगर तो मैं कर रहा हूं फिर तो पक्का चार्जेस पास आ रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर वो दूर जा रहे हैं फिर मैं नहीं काम कर रहा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रही है। पहला रूल क्लियर है, दोनों उल्टा काम करते हैं, मैं पास लेके आता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक दूर लेके जाती है, कोई डाउट इसमें। इसीलिए फॉर्मूला रजिस्टर में पहला पॉइंट लिखो कि अगर WE एक्सटर्नल वर्क डन है, WEL इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है, दोनों में साइन का डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो पहली डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। तो अब सेकंड पॉइंट सुनो, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि दो चार्जेस हैं, आप पास लेके आते हो तो आपने 10 जूल का काम किया, आप दूर लेके जाते हो आपने -10 जूल का काम किया, दोनों में नेगेटिव का फर्क है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं 10 जूल आंसर बोलूँ कि -10 जूल आंसर, मतलब कि मैं वर्क डन एक्सटर्नल की सुनूँ कि जो एक्सटर्नल ने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दोनों में माइनस साइन का फर्क है। तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एनर्जी मेरी बात सुनेगी एक्सटर्नल, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक। अब जैसे किसी प्रॉब्लम में आपको ये कहा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज -10 जूल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज -10 जूल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने क्या बोलना है, +10 जूल, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये दूसरी डेफिनेशन फॉर्मूला के अंदर नोट करो।
तो जैसे सपोज करो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, इमेजिन करो, और सपोज थोड़ी देर में इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, R2, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने, मैंने तो किया नहीं, दूर भगाने में मैंने का काम करना, पास लाने में मेरा काम है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ने उठा के क्या किया, फोर्स रिपल्शन की, डिस्प्लेसमेंट भी रिपल्शन की, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का FdX cos 0। जबकि मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाई थी अभी वो एक्सटर्नल के साथ थी, उसमें फोर्स जो है वो, और फोर्स और डीएक्स में एंगल क्या होता था, 180, उसमें डीएक्स इधर था, इसमें डीएक्स इधर है, ठीक है यहां तक। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे R1 से R2, क्योंकि इनिशियल सेपरेशन R1 थी और फाइनल R2 करनी नहीं है, इसमें क्रॉस मार देना, मेथड नॉट टू बी फॉलोड, नॉट फॉर NCERT चाहे लिख दो, सिर्फ एंड रिजल्ट देखेंगे, तो एंड रिजल्ट जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा, एंड रिजल्ट इसके इक्वल आएगा, ठीक। तो इसके अंदर क्या बताया हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है, आपने एक चार्ज को R1 से R2 पे लेके गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है। तो एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल के वर्क डन के लिए इसके आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस, तो ये लो मैंने माइनस लगाया, तो ये वर्क डन किसका आ गया, एक्सटर्नल का, ठीक। एक्सटर्नल का वर्क डन ये रहा, और इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना आपने, आप पता है क्या करें, ये डायग्राम देखें, फॉर्मूला रजिस्टर में लिखें, दो डायग्राम बनाएं, इसके आगे लिखें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो फॉर्मूला 1/4π ε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4π ε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। ये यही बात समझा रहा है बाय इंटीग्रेशन, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन से मत करो, मैं बता रहा हूं आपको, बुक्स ऐसे करती हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल फाइनल चेंज में दोनों को माइनस, खत्म। आपको ये जो नीचे काम किया वो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो लिख लेना, क्रॉस कर लेना, इस थ्योरी के ऊपर पढ़ना नहीं है, या आपने मेथड 2 क्रॉस कर दो कि नॉट फॉर NCERT, तो हमने तो रिजल्ट लिखने हैं, फॉर्मूला रजिस्टर में रिजल्ट हमने नोट कर लिया, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरी चीज मेरे को इसमें यह बतानी है, लिख लो ये भी रजिस्टर में लिखो, वो क्या, जैसे मैंने किया हुआ है न्यूमेरिकल, देखो इनिशियल में 1 और 2 कूलम है, और 2-3 मीटर से 1 मीटर पे आ गए, अब पास आए हैं, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, पास लाने का वर्क डन क्या होगा, पहले आप निकालेंगे इनिशियल एनर्जी 1/4π ε₀ 1 × 2/3, फिर आप निकालेंगे फाइनल एनर्जी 1/4π ε₀ 1 × 2/1, और फिर आप करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यही माना जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब हाँ एक पॉइंट लिखो, पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/4π ε₀ Q/∞, 1/∞ 0 होता है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन करना, अच्छे से करना, दो पेन से कर लेना, अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, टेस्ट होना है फॉर्मूलाज का, मैं बता रहा हूँ आपको, बस शेल्स के बाद पूरा टेस्ट है फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज का, सिर्फ ऐसे कर नहीं पाओगे इसको हैंडल, ठीक। नेक्स्ट ये हमने करना नहीं, डन हो गया।